हेलो हेलो डॉक्टर रस्तोगी, आपने ही लंच पैकेट के लिए फ़ोन किया था। मैं ये MIG 19 के सामने खड़ा हूँ, आप कहाँ पर हैं? डॉक्टर रस्तोगी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने लंच पैकेट की मांग की है, आप गरीबों का हक मानना चाहते हैं? इतने बड़े घर में रहने वाले हैं आप, और इस तरह से आपने लंच पैकेट के लिए फोन किया है? आप जैसे अमीर अगर गरीबों का खाना खाएंगे तो गरीब क्या खाएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको, मेरा तो यहां आना व्यर्थ हो गया है। साहब, ये शर्म ही तो है जो मुझे आज यहां तक ले आई। सर्विस लगते ही शर्म के मारे मैंने ये मकान बनवा लिया, इसके लिए बैंक से लोन लिया, आधी से अधिक तनख्वाह तो बैंक का लोन पटाने में चली जाती है, बाकी के बचे आधे बच्चों की परवरिश और पढ़ाई में निकल जाती है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन है ही नहीं, घर का आधा हिस्सा मैंने किराए पर उठा रखा, इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से किराया भी नहीं मिल रहा। साहब, नौकरी ना होने की वजह से बेरोजगार बेटे को मिली हुई प्राइवेट फंड और पैसों से उसे बिजनेस चालू करवा दिया। साहब, वो जो कमाता उसे बिजनेस आगे बढ़ाने में उसी में ही लगा देता। साहब, बचत तो हुई ही नहीं, अब तो पिछले 25 दिनों से दुकानदारी भी ठप है। साहब, राशन कार्ड भी मंगवाया था साहब, पर बहू और बच्चे शर्म के मारे लाइन में लगे नहीं और वो राशन कार्ड भी निरस्त हो गया। साहब, बहू के नाम से जनधन खाता भी खुलवा दिया था, पर उसने ना उसमें कुछ जमा किया और ना ही कुछ निकाला, वो अकाउंट भी बंद हो गया। साहब, सरकार से आया हुआ पैसा भी ना निकाल सके। साहब, मकान होने की वजह से किसी सामाजिक संस्था से हम सहयोग भी नहीं मांग सके। कल जब कोई रास्ता नहीं दिखा, सुबह जब अपने पोते को भूख से तड़पते हुए देखा तो शर्म नहीं आई। साहब, शर्म नहीं आई, सिर्फ आंखों में आंसू आ गए। पोते को देख देख कर आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने इन्हीं कांपते हाथों से डायल 112 से आपको बुलवा लिया। साहब, आपको बुलवा लिया। दीवारों ने हमें अमीर तो बना दिया साहब, पर अंदर से खोखला कर दिया। मजदूरी तो कर नहीं सकते, आमदनी इतनी हुई नहीं कि बैंक में कुछ जोड़ लेते,
और बैठकर आराम से खा सकते हैं। आप ही बताएं, ऐसे में मैं करता तो क्या करता साहब, क्या करता नाती की तड़प मुझसे देखी नहीं गई साहब, देखी नहीं गई। करता भी तो क्या करता, इस देश में अमीरों की सेवाएं बंद होती नहीं, मौका मिलते ही सरकार गरीबों की सेवा में लग जाती है। बस एक मिडिल क्लास ही तो है जो ना सेवा दे सकता ना सेवा ले सकता। सुनो, आते वक्त घर के लिए राशन लेते आना।